हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई न्यू एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि सीमैट का एग्जाम लिखने वाले हैं 2024 में। गाइज एज यू ऑल नो कि इनके नोटिफिकेशन जो हैं वो आउट हो चुके हैं, फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और एग्ज़ाम का जो मंथ है वो भी फाइनल हो चुका है। इट इज़ इन दी मंथ ऑफ मे। डेट अब तक फाइनल नहीं हुई है कि कौन सी डेट पर इनके एग्जाम्स होंगे, बट येस आपका मंथ तो फाइनल हो चुका है एंड वी आर ऑलरेडी इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। अगर अभी से भी हम काउंट करें वी हैव 30 डेज इन आर हैंड्स या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमें मिल सकता है जब हमारी डेट्स फाइनल हो जाएंगी, बट काउंटिंग फ्रॉम नाउ हमारे पास 30 डेज हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एंड एज यू ऑल नो कि जितने भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं थ्रू आउट इंडिया, आप इन सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। कॉलेजेस को लेकर हमने अलग से वीडियो बनाया है कि कौन से कॉलेजेस के फॉर्म अभी भी ओपन है जिसके जिसको आप टारगेट कर सकते हो थ्रू सीमैट। तो आप जाकर वो वीडियो देख लेना एंड अकॉर्डिंगली उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डेट्स रिकन्फर्म कर लेना। सो इस वीडियो में आपको टाइम टेबल मिलने वाला है कि कैसे आप इन 30 डेज में प्रोसीड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशंस के साथ में, क्या क्या चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए इन 30 डेज में, और इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि कौन से रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना चाहिए जो कि आपके प्रिपरेशंस के लिए एक एज साबित होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट से सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ जहाँ पर आपको बहुत सारे इनसाइड अपडेट, नोटिफिकेशंस, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सेम गोज़ विद व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो जहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन, अपडेट्स, कॉलेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली फॉलो दी सोशल मीडिया। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, आपको कुछ कुछ चीज़ों का एक्सेस पहले ले लेना चाहिए, जैसे कि फुल कोर्स का जिसमें आपको मिलते हैं वीडियोस, हैंडआउट्स और मॉक टेस्ट। ये आपके बहुत काम आने वाली है आपके प्रिपरेशंस के अंदर, क्योंकि वीडियोस से आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर सकते हो। हैंडआउट्स अगेन आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाते हैं एंड मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए मिलती है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए सेक्शनल कोर्सेज का एक्सेस, जहाँ से आप अपने पर्टिकुलर वीक सेक्शन पर काम कर सकते हो। उसके बाद होने चाहिए आपके पास मॉक टेस्ट का एक्सेस, और उसके बाद होना चाहिए आपके पास बुक्स एंड ई बुक्स का एक्सेस। इन सारी चीज़ों का एक्सेस आप कैसे ले सकते हो, अगेन हम इस वीडियो के एंड तक देखेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी टिल दी एंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है आपका डे वाइज प्लानअप, आपको हर एक दिन क्या क्या करना है। डे वन, सबसे पहले आपको हर एक दिन मैन्यूअर के डैशबोर्ड पर जितने भी आपके वीडियो फॉर्मेट्स हैं या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उन सारे वीडियोज़ को देखकर ख़त्म करना है। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ मैन्यूअर, भले आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया हो या फिर क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की हो, आपको डैशबोर्ड का एक्सेस मिलता है। सो डैशबोर्ड से सबसे पहले जाकर सारे पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस देखकर ख़त्म कर दो। तो आपको हर एक दिन पहले वीडियोस देखने हैं, उसके बाद हैंडआउट्स को गो थ्रू करना है, उसके बाद आपके बुक से प्रैक्टिस करना है एंड देन उसका टेस्ट लिखना है। सो डे वन आप नंबर लेटर सीरीज के वीडियोज़ देखोगे, स्पीड मैथ्स के वीडियोज़ देखोगे और उसका डेली रिविजन करोगे। डे टू अल्फ़ाबेट टेस्ट, 2 से 3 घंटे इस पर लगाने हैं, परसेंटेज अराउंड 3 आवर्स और डेली रिविजन उसका करना है। जो भी आप पढ़ोगे डेली बेसिस पर उसका रिविजन उसी दिन हो जाना चाहिए या मैक्स बाय नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए। फिर डे थ्री आपको कोडिंग डिकोडिंग पर काम करना है, 3 घंटे में इसके सारे वीडियोज़ देखकर आपके ख़त्म हो जाएंगे। फिर नाउन प्रोनाउन और डेली रिविजन, फिर वर्ब एडवर्ब, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डेली रिविजन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसका फिर अगेन डेली रिवीजन। फिर डे सिक्स पर आपने जितना भी अब तक टॉपिक कवर किया हुआ है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके मैन्युअल की बुक से सॉल्व करने हैं, रिवीजन, प्रोपोर्शन, एजेस पर काम करना है, और अब तक जितना भी आपने पढ़ा है उन सबका टॉपिक वाइज टेस्ट आपको लिखना है। टॉपिक वाइज टेस्ट से आपका एक एडिशनल प्रेशर बन जाएगा, तो आपको और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे आपने टॉपिक वाइज टेस्ट लिख लिया, यू आर रेडी फॉर योर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो डे सेवन पर 7 दिन की पढ़ाई के बाद हम लिखेंगे अपना पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उसके बाद अगेन टॉपिक टू से हमें रिवीजन करनी है और जितना भी अब तक हमने पढ़ा है सबके टॉपिक वाइज टेस्ट लिखने। देन वी हैड टू डे एट, अगेन आपको हर एक दिन मैन्यूअल के डैशबोर्ड से सारे वीडियो लेक्चर्स देखकर ख़त्म कर देने। टॉपिक वन हमें एनालॉजी को उठाना है, 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करना है, डेली रिवीजन उसका करना है। देन डे नाइन हमें ब्लड रिलेशन पर काम करना है, 2.5 से 3 घंटे इसके वीडियोस देखकर ख़त्म हो जाएंगे। कंजंक्शन प्लस आर्टिकल, उसका डेली रिवीजन। रैंकिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेली रिवीजन, ये हमारे पहले 10 दिन की पढ़ाई हो गई। अब 11वें दिन पे हमें इनपुट आउटपुट एरर डिटेक्शन और अगेन उसका डेली रिवीजन कर लेना है।
12th डे पर डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम वर्क और डेली रिवीजन। फिर 13th डे पर हमें बुक से अपने जितने भी अब तक टॉपिक पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। टॉपिक 2 से हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर काम करना है। 3 घंटे में इसके सारे वीडियोस देखकर खत्म हो जाएंगे। एंड ऑल टॉपिक टेस्ट, आपने जितना भी अब तक पढ़ाई किया है 13 दिन में सबके टॉपिक वाइज टेस्ट आपको लिखने हैं। फिर देन अगेन 7-7 दिन के गैप में हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखेंगे। 7th डे पे हमने लिखा था, 14th डे पर हम वापस लिख रहेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। टॉपिक 2 से हमें रिविजन करनी है और हमें जितना भी अब तक पढ़ा है जितना उसका टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना है। तो ये हमारे 2 हफ्ते की पढ़ाई ख़त्म हो गई। नाउ लेट्स हेड टू नेक्स्ट वीक डे 15। अगेन हमें सारे वीडियोज़ डैशबोर्ड से देख कर ख़त्म कर देने हैं। सिलोगिज्म और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर हमें काम करना है। टॉपिक 3 हमें यहाँ पर ले लेना चाहिए और डेली रिवीजन करना है। तो अब हमारा टॉपिक 3 भी ऐड यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले 2 हफ्ते में हमने सिर्फ टॉपिक दो टॉपिक्स पर काम करा था। तीसरे हफ्ते से हमारा यहाँ पर तीसरा टॉपिक भी ऐड हो जाएगा। देन कम्स डे 16 पर इनइक्वालिटी, टॉपिक 2 से प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर इनोवेशन। तो यहाँ पर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप हमारा जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। अगेन डेली रिवीजन कर लेनी है। फिल इन द ब्लैंक्स प्लस क्लोज टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, फिर डेली रिवीजन, एक्टिव पैसिव, ज्योमेट्री, स्टार्टअप, डेली रिवीजन, सर्कुलर अरेंजमेंट, ज्योमेट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेली रिवीजन, असर्शन एंड रीजन मेंसुरेशन रिवीजन और जितना भी अब तक हमने पढ़ाई की है टॉपिक वाइज टेस्ट उसका लिख दो। डे 21 अगेन 7 डेज के गैप पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसका रिवीजन, फिर जो हमने इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्शन से पढ़ा उसका रिवीजन और सारी चीज़ों का टॉपिक वाइज टेस्ट। एंड देन वी हैड टू द लास्ट वीक डे 22 से लेकर डे 28। अगेन आपको सारे वीडियोज़ डैशबोर्ड से देख के ख़त्म कर देने हैं। टॉपिक 1 से हमें क्लॉक एंड कैलेंडर, टॉपिक 2 से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और टॉपिक 3 से गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप और उसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। डे 23 सिलेक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर सिस्टम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप और अभी हमें स्विच कर लेना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर। तो हमने जितना भी पढ़ाई कर लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। पैराग्राफ जंबल, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स और अगेन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्रिटिकल रीजनिंग, सेट वेन डायग्राम, इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, नॉन वर्बल विजुअल लॉजिक, सिंप्लीफिकेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इकोनॉमी और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्रिटिकल रीजनिंग, वोकैब, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, स्पेल चेक, रिविजन और उसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर हमने जितना भी अब तक पढ़ा है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्शन से, डे 27-28 आपको सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लिखते रहना चाहिए। तो 28th डे आपका पूरा रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए ही जाएगा। इस दिन पर आप कोई नया टॉपिक नहीं उठाओगे, कोई नया टॉपिक नहीं सीखोगे। तो अब ये सारे वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, हैंड आउट्स, ये सब आप कहाँ से एक्सेस करोगे? उसके लिए आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर मैन्यूअल एजुकेशन की, बाएं ऑनलाइन पर क्लिक करना है, MBA एंट्रेंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फुल कोर्स चेकआउट करना है। क्लिक ऑन शो पैकेज, तो आपको सेकंड टैब चेकआउट करना है। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, इसके अंदर मिलते हैं आपको 571 वीडियो लेक्चर्स, 110 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। तो यहाँ से आप हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और मॉक टेस्ट का एक्सेस ले सकते हो। इफ़ यू गो बैक, आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है सो यू कैन चेकआउट द सेक्शनल कोर्स, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो यहाँ से अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्स, आपका DIDS, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, GK एंड करंट अफेयर्स, कोई भी सेक्शन वीक है तो यू कैन चेक आउट दिस टैब। आप यहां से कोई भी प्रोग्राम का एक्सेस ले सकते हो। इफ़ यू गो बैक, यू कैन ऑल्सो ऑर्डर योर सेल्फ सम बुक्स, क्लिक ऑन शो पैकेज। सबसे पहला वाला टैब चेकआउट करना है, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, इसके अंदर मिलते हैं आपको कॉन्ट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल स्टडीज़ की बुक्स। इफ़ यू गो बैक, तो जैसे मैंने बोला था कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट ये लिखते रहना चाहिए, तो चेकआउट दी मॉक टेस्ट, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके अंदर आपको मिलते हैं 150 टॉपिक वाइज टेस्ट। अगर आप फुल लेंथ मॉक लिखना चाहते हो यू कैन चेकआउट दिस मिडल टैब, आपको मिलते हैं 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आपका GK एंड करंट अफेयर्स, उसके लिए आपके पास है यहाँ पर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स वाला मॉक टेस्ट बूस्टर, जिससे गारंटीड आपके जो स्कोर हैं GK एंड करंट अफेयर सेक्शन में वो बूस्ट हो ही जाएंगे। सो इसके अंदर आपको मिलते हैं 1500 प्लस श्योर शॉट क्वेश्चन।
सो ये सारे प्रोग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड गाइज इस टाइम टेबल को फॉलो करो बिकॉज ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो यस गाइज दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मैन्यूअर MBA एंट्रेंस के YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए। सो यस गाइज दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।